बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस विद यू व्लॉग, और आज का व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ मदीना मीट पे। और भाई यहाँ आप लोगों को बछिया का, गाय का गोश्त मिलेगा और लाइव जानवर सामने काटा जाता है, और काटने के बाद जो है वो यहाँ पे फरोख किया जाता है। तो मैं मौजूद हूँ उस वक्त मदीना मीट पे, और मदीना मीट पे आपको दिखाने जा रही हूँ ताज़ा बछिया और बैल का गोश्त। तो भाई क्या रेट हो गए हैं, तो ये भी हम पता करेंगे और विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्यार से कमेंट करना मत भूलना। तो मदीना मीट पे मैं मौजूद हूँ, तो एक्सप्लोर करते हैं भाई आपके साथ मिल के। यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को मीट, दिखाते हैं भाई यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं मीट काफी जबरदस्त, अच्छा और ताजा फ्रेश मीट आप लोगों को मिलेगा, ताजा गोश्त आप लोगों को मिलेगा। ये चेक करें तो भाई, ये गोश्त आप चेक करें, ताजा जानवर इन्होंने गिराया, और इसी गोश्त की कटिंग होने जा रही है। देखें कटिंग का तरीका चेक करें, प्रॉपर कटिंग का तरीका आप लोग देखें किस तरह से ये चिकनाई साफ वगैरह कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बगैर प्रेशर का गोश्त होता है। रेट भी हम पता करेंगे कि भाई क्या रेट मिल रहा है और किस रेट पे बेचा जा रहा है। पहले तो आप ये देखेंगे दस्ती के ऊपर से किस तरह से गोश्त उतारा जा रहा है, गोम अलग की जा रही है और दस्ती का गोश्त अलग किया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये आप लोग चेक करें भाई, गोश्त कटिंग वगैरह देखें कितने से कटिंग की है। बिल्कुल ताजा बगैर पानी का गोश्त है, ये चेक करें भाई गोश्त की क्वालिटी चेक करें आप। तो पिछली वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आंटी आप वीडियो में आप चलेंगे बछिया की गाय की इंटरेस्ट नहीं लिया आपके गाय का, तो प्राइस भी नहीं बताई है। तो भाई मैं बता दूं, प्राइस भी मेरी उस वीडियो में मौजूद है और मैंने इंटरव्यू में भी प्राइस बताए हैं, और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्राइस बताऊंगी क्या प्राइस है। ये आप कटिंग चेक करें भाई, ताजा गोश्त की जो है वो आप देखिए पहचान क्या होती है, बिल्कुल नरम मुलायम गोश्त हो रहा है बगैर पानी का बगैर प्रेशर का। ये देखिए भाई, ये पूरी यहाँ पे जानवर काटा गया, और इसकी जो आपको पहचान बताऊंगी किस तरह से गोश्त फड़क रहा है ये भी चेक करें आप लोग। ये देखिए भाई, ताजे गोश्त की पहचान है, आप लोगों को नजर आ रहा हो कि गोश्त किस तरीके से फड़क रहा है, ये देखिए, ये चेक कर दो, ये इसकी पहचान है कि भाई ये ताजा गोश्त है और इस तरह से ये फटक रहा है, और अब कीमा भी निकलने जा रहा है। ये देखिए भाई, कीमे के लिए दो दो मशीनें यहाँ पे लगाई गई है, बारीक कीमा, मोटा कीमा, सारा कीमा आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। क्वालिटी देखे कीमे की, चेक करे कीमा कैसा मिल रहा है। बहुत धन्यवाद अभी ये कोई मसल मलाई निकल रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ, ये चेक करे मसल मलाई निकल रहा है। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह कीमा निकला, ये चेक करें आप, बारीक मशीन का कीमा है।
ये चेक करें भाई, जबरदस्त भाई। मक्खन मलाई कीमा निकला है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए भाई, दस्ती है वो किस तरह से कटिंग किया जा रही है, चेक कर लो दस्ती किस तरह से अलग की जा रही है। ये चेक करें, 2 मिनट में दस्ती अलग कर दी भाई। प्रोफेशनल कसाई की यही पहचान है, 2 मिनट भी नहीं लगे दस्ती हाथ पे आ गई। चेक करें गोश्त बनाने का तरीका, चेक करें भाई। इनके औजार इतनी तेज होते हैं, छुरियां इतनी तेज होती है कि 2 मिनट में इन्होंने जो है वो अपना काम कर दिया। ये चेक करें भाई, बंदे का हाथ चेक करें, हाथ कितना चल रहा है। 2 मिनट भी नहीं लगे, बिल्कुल ही जो है ये बारीक कर दिया गोश्त को। पाए भी रखे हुए, पाए भी दिखाएंगे आपको क्या रेट से मिल रहा है पाए, और पाए भी दिखाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे भी देख सकते हैं काफी रश है खवातीन का यहाँ पे लेने के लिए। ये चेक करें आप ये देखिए भाई, इनका अपना जानवर है, हलाल हो रहा है। तो जानवर हलाल हो चुका है, छुरी फिर चुकी है, पब्लिक के सामने साथ जानवर कटता है और आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ भाई। मैं मदीना मीट पे मौजूद हूँ और जहाँ पे बगैर प्रेशर वाला जबरदस्त आप लोगों को गोश्त मिलेगा, मक्खन मलाई जैसा, और पैसे भी इसके मुनासिब होते हैं क्योंकि ओरिजिनल, यानी आप लोगों को चीज जो है वो एक नंबर मिल रही है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई पानी नहीं है, इस वजह से आवाम का भी रश चेक कर सकते हैं कि भाई आवाम भी यहाँ पे आती है और अपने सामने ही सब कुछ देख रही है, चेक कर रही है और गोश्त लेके जा रही है। तो माशाल्लाह से आवाम का रश भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये देख सकते हैं भाई आप। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही, मुझे लाजमी प्यार से आप लोगों ने कमेंट्स कर देना है और वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। जबरदस्त यहाँ पे गोश्त मिलता है तो भाई इसी वजह से यहाँ पे आवाम का रश रहता है लेने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ताजा जो है वो गोश्त मिल रहा है, बच्चिया का और बैल का दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, बच्चिया भी मिलेगी बैल भी मिलेगा। ये देखिए ताजा चापे, ये चेक करें भाई गोश्त। ये देखिए भाई आप लोग रश देखे, माशाल्लाह से आज इतवार का दिन है तो रश भी यहाँ पे लेने वालों का काफी है। बोडियों का कलर चेक करें, बस बोडियों का कलर ये देखे।
आपके आखिर में क्या आ रहा है? नंबर आखिर में क्या आ रहा है? अच्छा पाए 800 रुपए के चार और 600 रुपए के चार चल रहे हैं, यानी हल्के पाए जो है वो 600 रुपए के चार है और जो भारी पाए हैं वो 800 रुपए के चार चल रहे हैं। ये चेक करें, ये चेक करें भाई, बहुत सी क्वालिटी देखी। हड्डी वाला जो है वो 1100 रुपए किलो चल रहा है और बगैर हड्डी का ही पूछते क्या साथ चल रहा है। हड्डी का 1400 रुपए किलो गोश्त चल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो मैं इनकी प्रॉपर लोकेशन आपको बता दे चुकी हूँ भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे मदीना मीट पे भाई, सामने मदीना मीट पे मैं मौजूद हूँ और ये शॉप आप लोगों को मिल जाएगी जनाब। आपने आना है लियाकताबाद सिंधी होटल वाला, ये रोड आ रहा है पूरा सीधा, आप लियाकताबाद से आओगे तो डाखाने से तो पूरा सीधा रोड आ रहा है जो आपको जाएगा पुरानी सब्जी मंडी पे। इसी रोड पे अगर आप आ जाओगे तो सामने आपको मोहम्मदी स्वीट्स नजर आ जाएगी। सामने मोहम्मदी स्वीट्स है और बिल्कुल सामने इस्लामिक बैंक है और जस्ट इस्लामिक बैंक के बिल्कुल जस्ट अपोजिट आप लोगों को ये मदीना मीट जाएगी नजर आ जाएगा शॉप। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।